हाय एवरीवन, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बीटरूट का पराठा का रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप कहेंगे क्या भला बीटरूट से भी पराठा बनता है, लेकिन बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही आसानी से। ऐसे तो जिसे हीमोग्लोबिन का कमी होता है इसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि बीटरूट आप किसी भी फॉर्म में खाएं, जैसे आप हलवा बना के खा सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं। तीन दोनों का रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ। अब बारी है पराठा का, देखते हैं ये बनता कैसे है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। बीटरूट का पराठा बनाने के लिए देखिए, मैं बीटरूट ली हूँ, ये मेरा 250 ग्राम है, धो के साफ कर ली अच्छे से। और इसको आप छिलनी से भी छिल के तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको छिल लेना है, देखिए अंदर का पार्ट देख सकते हैं कितना रेड है एकदम। बहुत आसान से आपको चाकू से भी छिला जाएगा। देखिए मैं इसको छिल करके तैयार कर लूँ। देखिए कद्दूकस करने वाला है, तो इसका जो ये बड़ा वाला है, ये छोटा, ये मीडियम, इसी से हम कद्दूकस कर लिया। जैसे इसको देखिए इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। और ये मैं कद्दूकस करके दो बीट को रख ली हूँ, मैंने 250 ग्राम कद्दूकस करके मैं रख ली हूँ। तो इस तरह से इसको पैन में दो चम्मच रिफाइंड डालेंगे, छोटे चम्मच से, बस इतना ही डालना है, ज्यादा नहीं। हरी मिर्च इसको डाल देंगे तीखा अपने टेस्ट के अनुसार। अब मैं इसमें बीटरूट डाल दे रही हूँ जो कद्दूकस करके रखे हैं। नमक डाल दे रहे हैं, नमक बस बीटरूट जितना है उसी के अनुसार। इसको ज्यादा नहीं पकाना है, बस इसको कच्चापन हटाना है। देखिए मैं 2 से 3 मिनट इसको पकाना है, ज्यादा नहीं, मेरा हो गया है। अब इसको गैस का फ्लेम बंद करी, इसको ठंडा होने के लिए रखें। मिक्सी के जार में डाल दे रहे हैं। अब मैं इसको ग्राइंड करने जा रही हूँ। देखिए इसमें मैं 2 चम्मच पानी डाल करके पीस ली हूँ, अगर मिक्सी नहीं चले तभी पानी इसमें ऐड करना है। देखिए गेहूं काटा लिया है, आपको जितना बनाना हो उतना ले सकते हैं। गेहूं का आटा मैं इस कप से 2 कप ली हूँ, इसमें आपको 4 आदमी का पराठा बन जाएगा। कुछ सूखा मसाला ऐड कर दे रहे हैं, जैसे ये जीरा पाउडर इस चम्मच से 1 चम्मच डाली हूँ, धनिया पाउडर इस चम्मच से 1 चम्मच, पेपर पाउडर 1/2 चम्मच डाली इस चम्मच से, नमक आटा के अनुसार, जितना आटा है उसी के अनुसार डालना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम बीटरूट में भी नमक डाले हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बीटरूट ऐड कर दे रहे हैं, अब इसको मिक्स कर लेना है। अब देखिए मेरा ये ड्राई हो गया है, तो इसमें जो मिक्सी के जार में मैं थोड़ा पानी ऐड कर दी हूँ। रोटी की तरह मुलायम डो तैयार करना है इसका। देखिए इसको इस तरह से दबा दबा कर अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर लेना है। देखिए थोड़ा सा रिफाइन लूंगी हाथ पे से 1 चम्मच के, और अच्छे से इसमें मिक्स करके डो का चिकना कर लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख रहे हैं। देखिए मेरा आटा तैयार हो गया, सेट हो गया अच्छे से। देखिए पराठा के लिए मैं इतना बड़ा गोली ले रही हूँ, उसको आटा में गेहूं काटा भी ऐसे इसको लपेट लेना है, जैसे आप पराठा बेलते हैं उसी तरह इसको बेल के तैयार करना है। हल्का सा रिफाइन इसमें तह में डाल देंगे ऐसे, फिर उसी तरीके से इसमें भी हल्का सा इसमें डाल देंगे। देखिए मेरा तावा गर्म है, पराठा डाल देंगे। पहली बार में तुरंत पलटना है इसको, अब इसमें रिफाइंड डाल दे रहे हैं। 1 चम्मच के हिसाब से डालना, ज्यादा नहीं एक साथ। ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है इसको। देखिए पराठा बनके तैयार हो गया, और गर्मा गर्म पराठा इस तरह से परोसिए। मैं और दूसरा भी डाल दी। देखिए मेरा दूसरा भी बनकर तैयार हो गया। मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ गोल पराठा बनाने का। देखिए इसका साइज थोड़ा छोटा लेंगे,
आटे में डिप कर लेंगे। छोटे से बस एक चम्मच के अनुसार उसमें रिफाइंड डालेंगे। ऐसे गोल गोल घुमाते हुए दबाते हुए इसको टर्न करेंगे। देखिए मेरा भी टूट का पराठा बनकर तैयार है। हेल्दी और टेस्टी और सेहत से भरपूर है। इसे हम आम के अचार के साथ सर्व किए हैं। इसका रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। एक बार बना के मेरी विधि से जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।